नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल SJ Traders। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। दोस्तों, मैंने निफ्टी के बारे में आपको कल बोला था कि अगर 16,880 और 16,800 के बीच में फ्लैट ओपन होती है तो हमारा ये लेवल मैंने आपको दिया था। तो आज निफ्टी का ओपनिंग हुआ है 16,900 प्लस। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि 5 मिनट की दूसरी कैंडल जो बनती है वो अगले वाली फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक करे तब आप कॉल ले सकते हो। लेकिन उसने क्या किया, 5 मिनट की पहली जो कैंडल बनी उसके हाई को ब्रेक नहीं किया और सीधा नीचे आ गया। और वो सुबह 9:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हमने जो फ्लैट जोन दिया था उसी जोन में वो पूरा घूमता रहा। 12:30 बजे के बाद 16,800 का लेवल मैंने जो आपको दिया था वो उसने ब्रेक किया और हमारा पहला टारगेट मैंने जो दिया था 16,760 और सेकंड टारगेट मैंने आपको दिया था डाउन के साइड में 16,690 यानी 16,700, वो दोनों उसने अचीव कर लिया। और आज का लो मारा उसने फ्रेंड्स करीबन 16,550 के करीब आज उसका लो है। तो आइए देखते हैं अब कल निफ्टी क्या कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर किसी ने यहाँ पे पुट लिया होगा 16,800 का तो बहुत ही उसको प्रॉफिट मिल गया होगा आज। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी क्या कर सकती है। इसके लिए मैं ये पूरा लेवल निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, कल हमने जो मार्क किया था वो, और अभी उसको मैं 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। 15 मिनट में चार्ट में हम देखते हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बन सकती है यहाँ पे ये वाली, ओके। और हमारा फ्लैट जोन रहेगा कल के लिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लैट जोन रहेगा 16,660 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से लेके मैं उसको लेता हूँ, ये रहेगा हमारा 16,600, ये हमारा फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स। ये अप साइड का हो गया, ये हमारा रह गया डाउन साइड का 16,700 अप साइड का और डाउन साइड का रहेगा 16,600। अगर फ्रेंड्स कल इसी जोन में ओपन होता है उसके बाद अप साइड में 16,700 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड उसका 16,750 और सेकंड टारगेट उसका आ सकता है अपसाइड में 16,800 और डाउन की साइड में अगर 16,600 ब्रेक करेगा फ्रेंड्स कल तो डाउन साइड का उसका पहला टारगेट रहेगा 16,550 और दूसरा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स डाउन की साइड में 16,500। और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो ये जो गैप फिल्म बाकी बचा है उसको फिलअप करने के लिए नीचे आ सकता है 16,400 पकड़ लो 16,400, वैसे तो 16,400 के भी नीचे है 16,300 सेक्टर, ओके फ्रेंड्स। इसका मैं आपको प्राइस लेवल मार्क कर लेता हूँ, ये हो गया 16,600 डाउन की साइड में, दूसरा अप साइड में रहेगा हमारा कौन सा रहेगा 16,700, डाउन की साइड में पहला टारगेट हमारा रहेगा 16,550, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 16,500 और लास्ट टारगेट आएगा हमारा थर्ड बड़ा टारगेट रहेगा वो 16,375। और अप साइड में टारगेट आएगा हमारा पहला 16,750 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 16,800। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मैंने आपको लेवल दिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप वीडियो देखो तो आप पूरा देखो, फॉरवर्ड करके वीडियो मत देखो, इससे और सारी चीज़ें मिस हो जाती है, इससे नुकसान आपका ही होगा फ्रेंड्स। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो ताकि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सको। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या किया। बैंक निफ्टी में सर
यही किया फ्रेंड्स, आज उसने गैप ओपन किया 35,487 ओपन किया और हमने मार्क किया था 35,432। देखिए उसने भी क्या किया, निफ्टी की तरह उसने पहली 5 मिनट जो बनी थी 5 मिनट की कैंडल को सेकंड कैंडल ने उसने ब्रेक नहीं किया ये वाली ने, और सीधा आ गया हमारा नीचे जो मैंने रेड जोन दिया था आपको 35,430 से लेके 35,220 सीधा वहाँ आया, और बाद में फिर से यहाँ पे उसने ये कितने बजे ब्रेक किया फ्रेंड्स, ये रेड जोन 10 बजे ब्रेक किया और उसने टारगेट दिया तकरीबन 35,634 और मैंने आपको पहला टारगेट दिया था अपसाइड में 35,680 तो करीबन उसके पास जाके फिर से नीचे आ गया और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से उसने ऊपर मारा ट्राई किया लेकिन वहाँ पर फिर से रिजेक्ट हो गया, फिर से नीचे आ गया, यानी सेलिंग प्रेशर आज बहुत ज़्यादा हो गया था फ्रेंड्स। और मैंने जो फ्लैट जोन डाउन के साइड में दिया था 35,220 उसने वो कितने बजे ब्रेक किया, 1 बजे उसने वो ब्रेक किया डाउन के साइड में 35,228 और हमारा जो पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 35,100 और दूसरा टारगेट मैंने डाउन के साइड में दिया था आपको 34,870 तो आज उसने दोनों टारगेट अचीव कर लिया फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी ने अप साइड का भी एक टारगेट अचीव हो गया और डाउन साइड का भी पुट का भी दोनों टारगेट उसने अचीव कर लिया, अगर किसी ने यहाँ पे पुट लिया होता तो बहुत ही इसमें भी उसको फायदा हुआ होगा। चलिए देखते हैं अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, तो इसके लिए हम ये पूरे लेवल को आज निकाल लेते हैं और हमारा 15 मिनट का लगा लेते हैं चार्ट को। ओके अब इसमें भी हो सकता है यही ट्रेंड लाइन इसमें भी बन रही है, यहाँ से ये वाली यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले सकता है लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब पहले हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं फ्लैट जोन पे, ये रहेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक ही बनाता हूँ मैं इसको आज। उसका क्लोजिंग हुआ 35,022 पे उसने क्लोजिंग मारा है फ्रेंड्स, 35,022 पे तो क्लोजिंग हुआ है उसका। अगर कल 35,050 निकालेगा और डाउन के साइड में रहेगा हमारा, आज का लो कितना है 34 ना वो नीचे हो जाएगा, मैं ये पकड़ लेता हूँ नज़दीक का। ओके ये हमारा हो गया टुमारो के लिए फ्लैट जोन 35,600 और डाउन के साइड में रहेगा हमारा 34,850। फ्रेंड्स अगर इसी जोन में ओपन होता है और अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेक करती है बैंक निफ्टी कल, तो देखते हैं कल पहला टारगेट कौन सा आएगा अपसाइड में। पहला टारगेट हमारा आ सकता है 35,200, पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में 170-200 के बीच में। ओके और सेकंड टारगेट फ्रेंड्स आ सकता है अपसाइड में 35,400, इसको 400 कर लेता हूँ मैं, ये आएगा हमारा 400। ओके और डाउन के साइड में आएगा फ्रेंड्स पहला टारगेट हमारा आएगा 34,700 और सेकंड टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन के साइड में, ये जो गैप है ना ये गैप फिल करने के लिए फिर से नीचे आ सकता है 34,570 और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो ये जो 200 का डीएमए का मूविंग एवरेज है यहाँ तक आ सकता है 34,200 के आसपास ये वाला। चलो इसका मैं प्राइस लेवल लगा लेता हूँ, ये हमारा हो गया 34,850 से लेके 35,065, ये हमारा फ्लैट जोन हो गया और अपसाइड में पहला टारगेट आ सकता है 35,180, सेकंड टारगेट आ सकता है 35,400 और वैसे ही डाउन की साइड में आएगा 34,700, दूसरा टारगेट आ सकता है 34,575 और लास्ट टारगेट आ सकता है हमारा ये 34,200 के करीब। फ्रेंड्स अगर बैंक निफ्टी में हो, अगर आप 100 पॉइंट भी पकड़ लेते हो ना और उसी टाइम पे आप इंटर मनी या एकदम मनी कॉल या पुट बाई करोगे ना तो आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट जब होता है तो आपको वहाँ पे 50 से 60 रुपीस आपको मिल जाता है,
तो बैंक निफ्टी में 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ लो तो आपका प्रॉफिट ही होगा, इसमें लॉस होगा ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।